नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ तिल की बर्फी। तिल की बर्फी सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और इनको बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो हम इनको तिल और मावा से मिलाकर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए। एक कप हमने तिल लिए हैं, ये 200 ग्राम मावा है, ये एक कप पाउडर शुगर है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं मीठा। ये 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी है, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए पिस्ते, थोड़े से कटे हुए काजू। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं। हमने गैस को ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर तिल को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हम कम ही रखेंगे और इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो तिल को हमको थोड़ा ही भूनना है, बिल्कुल थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये फूलने लगे थोड़े थोड़े। ज्यादा नहीं भूनना वरना ये कड़वे हो जाते हैं। तिल हमारे भुन चुके हैं और थोड़े साइज में भी बड़े हो गए हैं भुनते हुए, तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तिलों को हम एक प्लेट में डाल देते हैं। जिस कढ़ाई में हमने तिल को भुना था उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और तिल को थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी के जार में डालकर। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी और मावा को डाल देंगे। तो मावा हमारा अच्छे से भुन चुका है, देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम पाउडर शुगर को डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़े से बादाम, पिस्ते, और काजू। अब इनको सबको मिक्स करेंगे और हमने तिल को इस तरह से दरदरा कर लिया है मिक्सी के जार में डालकर। तो अब तिल को भी डाल देते हैं। इनको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। तो इसमें से थोड़ा सा हम एक प्लेट में डालकर देखेंगे, ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में है या नहीं। देख सकते हैं ये बिल्कुल नहीं इसमें से बह रहा और ये जरा सी देर में ही थोड़ा थोड़ा जमने लगा है। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम किसी थाली में या आप कोई ट्रे ले लीजिए, बर्फी जमाने वाली ट्रे, उसको घी से ग्रीस कर लीजिए, किसी चीज में भी जमा सकते हैं। तो इसको ऑफ कर दिया है गैस को और थोड़ा इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और चलाते रहेंगे। तो हमने एक ट्रे में बटर पेपर को डाल दिया है, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा चम्मच से इस तरह से प्रेस कर देंगे और सभी कोनों में अच्छे से हो जाए। वो बादाम लगा देते हैं और थोड़े काजू, अब थोड़े से हम पिस्ते डाल देंगे और थोड़ा सा इनको स्पून से लगा देंगे ताकि ये निकले नहीं, इसी में सेट हो जाए बर्फी के साथ। अब इनको हम 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं रूम टेम्परेचर पर।
क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो ये जल्दी ही सेट हो सकती हैं, 2 घंटे में भी 1 घंटे में भी। तो अब इसको रख देते हैं। तो हमारी ये बर्फी 1 घंटे में ही अच्छे से सेट हो चुकी हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो ये जल्दी जम गई हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं। बटर पेपर को इस तरह से तो बर्फियों को हमने कट कर लिया है। दिखाती हूँ कैसी बर्फी बनी है, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो इनको अब सर्व कर देते हैं। इस तरह से हमारी तिल मावा की बर्फी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। आप बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को टिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।